लोगों ने इस प्रेस मीटिंग में शिरकत की। जिस तरह हम सबको पता है कि हमारे डायरेक्टरेट का एक प्रोग्राम था प्रमोशन एंड होल्डिंग ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इन फेवर ऑफ चंपा। तो ये प्रोग्राम बेसिकली 2020 से स्टार्ट हुआ था और ये दो साल पे मुहिम था। बीच में इसमें से कोविड की वजह से थोड़े से पॉज़ आ गए, जिसकी वजह से ये डिले होता गया। अभी इसमें तकरीबन 3 टाइप के गेम्स अभी तक हुए हैं। पहले टाइप के जो हमारे गेम्स थे वो थे इंटर तहसील गेम्स, और उनके जो विनर्स थे वो इंटर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे इधर पर इनकी कंपटीशन हो गई और वो पेशावर में इख्तिताम पज़ीर हुए। इसके साथ साथ इंटर रीजनल गेम्स हमारे हो गए, जो हमारे 7 रीजन हैं उनमें आपस में उन्होंने गेम्स कर दिए और वो फिर इधर पेशावर में इनकी एंडिंग हो गई। इसके साथ साथ फिर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तीसरी जो इसका जो तीसरा वो था शिफ्ट था वो यही था कि इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे ओपन ट्रायल्स होंगे, और इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे जब ट्रायल हुए तो टीमें सेलेक्ट हो गई और अंडर 21 मेल गेम जो कि लास्ट ईयर 2021 अक्टूबर नवंबर में हो गई, तो वो इसका एक पार्ट था। और इसका जो आखिरी पार्ट है इस पूरे स्कीम का वो है अंडर 21 फीमेल गेम्स, जो उस टाइम पे प्लान थे नवंबर दिसंबर में, लेकिन कोविड की वजह से जो हमारे पॉजिटिविटी रेट्स थे वो बढ़ गए थे, जिसकी वजह से ये अभी हमने प्लान किए हैं। और इंशाल्लाह कल से 22 मार्च से लेके 25 मार्च तक हम ये गेम जो है ना मुनाकिद करा रहे हैं। तो अच्छा, इसके साथ साथ अभी तक जो ये पूरे एक स्कीम है उसमें गेम्स 47 नंबर ऑफ गेम्स हो गए हैं, मतलब 40 गेम्स हो गए हैं और 7 गेम्स जो है ना अभी जो फीमेल गेम्स हैं हमारे इसमें शामिल है। और इसको हम प्लान कर रहे हैं 3 वेन्यूज़ में, एक पेशावर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इधर इस हमारे पेशावर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में इसकी इनॉग्रेशन होगी। इसके साथ साथ हम प्लान कर रहे हैं कि इसको चारसदा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और उसके साथ जो दरगई कॉलेज है उधर भी हम गेम्स करें, और सवाबी में हमारा एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है बामखेल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, तो उधर भी हमारे इंशाल्लाह क्रिकेट का टूर्नामेंट उधर होगा। तो चूंकि हमारे गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, तो हम चाहते हैं कि सिमल्टेनियसली इन 3 वेन्यूज़ पे ये गेम्स हम मुनक़द करें, जिसके लिए हमने प्रॉपर प्लानिंग की है, ताकि लोगों को जो है ना हमारे जो बाकी वेन्यूज़ है इसका भी थोड़ी सी जो है ना उसकी वो हो जाए कि बामखेल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी एक बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, और उसके साथ साथ चारसदा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी मुख्तलिफ कैटेगरीज में। जिस तरह मैंने पहले कह दिया कि 40 गेम्स अभी तक हम मुनाकिद कर चुके हैं इस स्कीम से, और 7 जो है ना अभी होने वाले हैं। तो इसके जो विनर्स थे उनको हमने कैश प्राइजेस भी दी और इसको स्टाइपेंड भी दी, और लास्ट ईयर के एंड में जो मेल गेम्स हुए थे उसके जो विनर्स थे उनके लिए हमने रजिस्ट्रेशन ओपन किए, तकरीबन 8-10 दिन हो गए। और इसी के साथ साथ ये इन गेम्स के जो विनर्स हैं इनको भी हम 1 साल तक वो स्टाइपेंड देंगे। ये फीमेल गेम जो हमारे है इसमें तकरीबन 2200 प्लस माइनस एथलीट्स कंफर्म है। हमने 35 जो हमारे केपी के डिस्ट्रिक्ट से उनसे टीमें हमने मंगवाई है, और उनके साथ जो ऑफिशल्स हमारे हो जाएंगे तो रफली ये फिगर तकरीबन टच करेगा 3000 हमारे फीमेल गेम्स में हमारे साथ पार्टिसिपेट्स होंगे। कार है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स अपने डिस्ट्रिक्ट्स में टीम सेलेक्ट करते हैं, तो इनकी सिलेक्शन जो है ना बड़ी मेरिट पे हुई है। और इसमें जो आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो इसमें हमारे साथ जमत लाज जो है उसकी टीमें भी वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें जो हमारे फीमेल गेम्स है इसमें हमारे साथ 7 गेम्स है, जिसमें एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, थग ऑफ वार है, नेटबॉल है,
और वॉलीबॉल, ये 7 गेम जो है ये हमारे साथ इस दफ़ा ये फीमेल गेम्स में हमारे प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सर हमने जो हमारे SOPs है गेम्स कंडक्ट करने के लिए, तो हमने पुलिस डिपार्टमेंट को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सबको लिखा है, और जिस तरह हमारे साथ रेस्क्यू 112 और मुख्तलिफ इदारे हमारे साथ इन गेम्स में शामिल होते, तो सबको हमने ऑन बोर्ड लिया है। अच्छा सर, चूँकि कोविड इंटरनेशनल एक पेंडेमिक था, तो जो खिलाड़ी उस टाइम पे उस एज ब्रैकेट में थे उनको हमने इतनी रिलैक्सेशन दी है कि वो अभी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि वो तो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में हमारे सूबे लेवल पे जितने भी लीगल होते उसमें भी इन प्लेयर्स को, प्लेयर्स के अलावा सारे महकमों को रिलैक्सेशन हासिल है जो कोविड पेंडेमिक की वजह से टाइम हमारा ज़ाया हुआ। इसके साथ साथ हमने अपने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स को ये भी डायरेक्शन दी थी कि आप अगर इनमें से कोई प्लेयर्स दो साल का बड़ा अरसा होता है या 1.5 साल, वो अगर विलिंग ना हो या किसी वजह से उन्होंने कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट छोड़ा हो या वो, तो चूँकि फीमेल गेम्स है तो उनको हमने इतनी वो दी थी कि आप जो है ना नए ट्रायल्स कंडक्ट करके हमें जो है ना वो प्लेयर्स आप दे सकते हो, तो पुराने प्लेयर्स भी इसमें शामिल है। और इसके साथ साथ अगर कोई किसी वजह से पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते और इसकी कोई कोजेंट रीज़न है तो नए प्लेयर्स भी इसमें हो सकते हैं, उन्होंने ट्रायल्स दिए हैं।